नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं पीएमई ई विद्या चैनल चैनल नंबर नौ और एन सी ई आर टी पी एम ई विद्या क्लास नंबर नौ हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसमें हम बात करेंगे सोशल साइंसेज के नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम बच्चों जो आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आए हैं डिस्कशन के लिए बातचीत करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति पर यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इस विषय पर क्या रही फ्रांसीसी क्रांति और क्या इसके कारण रहे क्या इसका रिजल्ट आया इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगी हमारी विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलिए उनसे परिचय हम आप सभी का करवाते हैं आप हम है इस कुमारी रोहिणी आप डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन इन सोशल साइंसेज एन नई दिल्ली से हैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद और बच्चों अगर आपके मन में, में कोई भी प्रश्न आए ना केवल जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बल्कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फ्रांसीसी क्रांति और फ्रेंच रिवोल्यूशन इसके काजेज़ और कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में जानना चाहते हैं आप अपनी सभी क्वेरीज अपनी सभी बातें हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं आपको करना होगा हमें फ़ोन कॉल हमारा टेलीफोन नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास नाइन्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं जो है एन सी ई आर टी पी एम ई विद्या क्लास नंबर नाइन तो आप लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्नों के साथ बातों के साथ आप हमसे हमारे इस लाइफ इंट्रैक्शन में जुड़ें और इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल हासिल करें तो हम अपनी विशेषज्ञ के पास चलेंगे और हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे और मैम हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और जब भी कोई क्रांति होती है तो मैम वो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लेकर आती है तो यहाँ पर क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत ही बड़ा बदलाव है आ, हमारे विश्व इतिहास में तो हम इसके बारे में ज़्यादा आपसे जानेंगे तो क्या कुछ आज आप हमारे सभी बच्चों के लिए लाए इसका कॉन्टेक्स हम आपसे जानना चाहेंगे मैम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल रेनू आई वॉन्ट टू क्लियर दैट इट्स अ वास्ट टॉपिक सो आई विल कवर इट इन टू पार्ट ओके ओके बिकॉज इट विल टेक टाइम इस पार्ट में मैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन बताऊंगी एंड सेकेंड पार्ट में उसके रिवोल्यूशन के जब राजा की शक्तियाँ कम हो गई उसके बाद की घटनाओं के विषय में बताऊंगी फ्रेंच रिवोल्यूशन जो था एक बहुत ही बड़ा अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज पे आ जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा आप कहिए कि सामाजिक और राजनीतिक जो एक बदलाव का एक बहुत बड़ा दौर लेकर आया इनफैक्ट इसके द्वारा जो विचारधाराएं जिसको प्रोत्साहित किया गया वो आज भी उदारवादी लोकतंत्र का पिलर्स माने जाते हैं ओके okay. वो है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व तो ये जो क्रांति थी वो 14 जुलाई 1789 से के से साथ बास्टिल के किले के पतन के साथ शुरू होती है और फ्रेंच इसका जो एक आप कहिएगा स्टेज फाइनल स्टेज वो फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना के साथ खत्म होता है ओके okay. अब मैं ये आपको विस्तृत करना विस्तार से बताना चाहूँगी कि इतनी बड़ी जो क्रांति है वो किसी आइसोलेटेड एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं हो सकती है इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे हाँ उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ फ्रांस की राजनीतिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियाँ तक फ्रांस को इस क्रांति की ओर ढकेला और आप बच्चों आप डिसाइड कीजिएगा कि क्रांति के कौन से कारण को आप सबसे टॉप पे रखना चाहेंगे क्रांति को ट्रिगर करने के लिए हम्म ये मैं बच्चों पे आ, छोड़ती हूँ तो फ्रांस की क्रांति का सबसे ये तो एक है प्लीज पीपीटी हम्म ये एक टेनिथ ओ कोट ओथ है जो कि प्रिपेटरी स्केच है फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैक लुइस डेविड द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हैंग हंग इन नेशनल असेंबली तो आप देख सकते हैं इसमें लोग चारों तरफ से और एक व्यक्ति उनको लीड कर रहा है हुँ. मतलब उस समय समाज में ऐसी भावना बिल्कुल आ चुकी है कि एक बस एक लीडर की जरूरत थी एक लीड की जरूरत थी और क्रांति शुरू हो शुरू, शुरू हाँ होने के लिए मतलब कहते तैयार तैयार थी, थी।, थी तो रीजन ऑफ रिवॉल्यूशन में हाँ, आप मैंने पूरा पीपीटी बना के यहाँ प्रेजेंट किया है कि द फ्यूडल रेजिम फाइनेंशियल क्राइसिस सोशल इनिक्वालिटी ड्यू टू स्टेट जनरल सिस्टम पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इन एंड Inadequate leadership, tax burden on third state, the rise of bourgeois hmm, and uncommon weather and poor harvest, the rise in cost bread, ascension of uh, third state, inspiration of the philosophers hmm, like uh, Rousseau, Montesquieu, John Locke, Mirabeau, hmm, and Abbé hmm. inequal right, and immediate cause, thaiska, American War of Independence. Hmm. दो तो पहले से आ जाते हैं जी कि तो पॉलिटिकल क्राइसिस पे डेफिनेटली मैम हम रीजंस पे ज़्यादा जानकारी लेंगे और हुँ. आप सभी हम दर्शकों तक ये बात पहुंचाएंगे कि क्या कॉजेज रहे क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे डेफिनेटली हमारा ये चैप्टर है हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानेंगे और फ्रांसीसी क्रांति का एक स्लोगन रहा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता और इस पर हम विस्तार से माम से हम जानकारी लेने वाले हैं लेकिन आप सभी दर्शकों को हम ये बता दें कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई शंका आप हमें मिटाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं जो है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और हम वापस अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आप कॉजे की बात कर रहे थे तो हम चाहेंगे कि जो भी कॉजेज हैं वो आप हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएं मां बताएं उन्हें क्या है या yeah, पॉलिटिकल शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल क्योंकि एक पर प्रथमतया तो ये एक राजनीतिक क्रांति कोई माना जाएगा इसे तो हम पहले पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इन एटीक्यूट लीडरशिप को डील uh, कर लेते हैं तो फ्रांस में जो था वो स्वेच्छाचारी राजतंत्र था राजा का लुई फोर्टीन एक राजा हुआ फ्रांस का जो कहा करता था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ यानी मैं ही राज्य हूँ और मेरे जो शब्द हैं वो कानून के बराबर हैं अर्थात वो जो भी जिस वक्त भी कानून बना देता था उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था किसी विधायिका कार्यपालिका का नहीं वो जिस भी जो भी कानून चाहता था वो वो बना सकता था और जनता पे आरोपित कर सकता था जनता की तो कोई अधिकारी नहीं था ना जनता से उसकी राय मशवरा लिया जाता था तो लुई लेकिन लुई फोर्टीन के साथ अच्छी बात ये थी कि ही वॉज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो जब स्वेच्छाचारी राजतंत्र में सारी शक्तियाँ राजा के पास केंद्रित थी तो लुई फोर्टीन तो, तो कह तक मैनेज हो गया लेकिन लुई फिफ्टीन एंड लुई सिक्सटीन ये दोनों राजा ऐसे राजा हुए जो कि बहुत ही अयोग्य थे और जिन्हें इंटरेस्ट भी नहीं था उतना शासन करने में इनके समय में फ्रांस की स्थिति दिन डे बाय डे बिगड़ने लगी इन्होंने इतने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण इन लोगों का फ्रांस को काफ़, पे काफ़ी कर्जा चढ़ा और फ्रांस का काफ़ी इकोनॉमिकली फ्रांस ने काफ़ी सफ़र किया हुँ. तो राजशाही फ्रांस में इस टाइम इतनी भ्रष्ट थी कि एक लेटर इशू होता था जो कि जज बनने के लिए था मैं आपको एक okay. एग्जांपल दे रही हूँ और उसे खरीद के कोई भी व्यक्ति जज बन सकता था अच्छा। और कोई भी व्यक्ति जज बन सकता था और वो अब आप ऐसे लोगों से किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो न्याय के काम करेंगे जो खुद पैसे दे करके और पैसे बहुत सारा मोटा पैसा देकर के पद खरीद रहे हैं उनकी योग्यता नहीं है जज बनने की तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था अब आप, आप सोशल इस पे आ जाइए सो का, सामाजिक कारण पे सोशल इनइलिटी ड्यू टू स्टेट जनरल फ्रांस का समाज हर समाज देखिए रेणु जी कुछ हिस्सों में बटा होता है फ्रांस का समाज भी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में बटा हुआ था यहाँ पे आप एनसीआर के बुक में ये देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट में आता था चर्च एंड प्रीस्ट पैस्टर क्लर्जी वर्ग था सेकेंड स्टेट किंग्स एंड नोबेलिटी थर्ड स्टेट बिग बिजनेस मैन यानी मध्यम वर्ग मिडिल क्लास बॉर्जुआ जिसे कहा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में और पीजेंट और कारीगर स्मॉल पीजेंट लेबरर्स सर्वेंट्स ये लोग सबसे पायदान में सबसे नीचे आ जाते थे okay. हुँ. हुँ. तो पहले जो वर्ग था उसका तो लाइफ पहले दो वर्गों का लाइफ बहुत लेविश था हाँ, और उनके लेविश लाइफ का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के लोगों को उठाना पड़ता था यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फर्स्ट दो वर्गों के पास फ्रांस की 80 परसेंट जमीन थी और इन लोगों को एक पैसा टैक्स के तौर पर पे करने की जरूरत okay. नहीं थी उस समय मतलब सारा टैक्स का बर्डन थर्ड स्टेट पे था और लेकिन जितनी भी रिसोर्सेस थी ज्यादातर वो आपके इसके पास थी शुरुआत के दो स्टेट में क्लैरजी किसे जनता को थोड़ी इस बात को लेकर प्रॉब्लम थी कि उनसे अपेक्षा की जाती थी रोमन कैथोलिक चर्च फॉलो किया जाता था उस समय फ्रांस में तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो बहुत सादा जीवन जिए यदि आप कैथोलिक सेक्ट में देखेंगे भी कि जीसस क्राइस्ट ने कह के कहे हैं कि आपको एक सादा जीवन जीना चाहिए हुँ। 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 खुद उन्होंने भी अपना जीवन ऐसा ही जिया लेकिन अब जो फ्रांस के जो क्लर्जी क्लास था वो बड़ी बड़ी भूमिया ऊन कर रहा है उनके खाने पीने के बर्तन सोने और चांदी के हैं खेती करवा रहा है जनता से टैक्स वसूल रहा है और अपना ऐसी बड़ी बड़ी दावतें दे रहा है और इतनी और सबसे बड़ी बात कि शादियाँ बहुत सारी शादियाँ कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे रख रहे हैं हुँ। हुँ। जो कि अलाउड नहीं था तो इस वजह से जनता हाँ इन चर्च में भी सुधार चाहती थी और राजा के विषय में तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्णतया स्वेच्छाचारी था उसके शक्तियों पर किसी का नियंत्रण नहीं था सामंत वर्ग भी राजा राजा के ही छत्र छाया में पला हुआ और पोषित वर्ग था और इसके पास भी काफ़ी सारी भूमियाँ थी और ये भी किसानों का शोषण करता था और इसकी और ये शोषित धन से वो काफ़ी अपना अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन किया हुआ था इन लोगों ने तो जब अब मध्यम वर्ग थर्ड स्टेट पे आ जाता है मध्यम वर्ग अभी यूरोप के उस समय की आप यूरोप की स्थिति समझिए कमर्शियल रिवॉल्यूशन हो चुका है भौगोलिक खोजें हो रही हैं इंडिया वगैरह आ रहे हैं लोग अफ्रीका जा रहे हैं रिसोर्सेज को कॉलोनियल हाँ एक्सपेंशन हो रहा exactly. है तो इन मध्यम वर्ग बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा था उसके हाथ में पैसे आते जा रहे थे जितना ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास हो रहा था हुँ। हुँ। तो वो देखते थे कि सारा पैसा तो हम लोगों से वसूल किया जाता है लेकिन हमारी कोई वो रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में जो कि बिल्कुल अकर्मण्य क्लर्जी और नोबेलिटी की है कि ये लोग करते कुछ भी नहीं है सिर्फ युद्ध करते हैं और युद्ध भी सैनिकों के बल पे करते हैं किंतु हाँ इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है और हमें वो रिस्पेक्ट नहीं है तो थर्ड स्टेट में इनकी प्रॉब्लम तो ये थी थर्ड स्टेट में दूसरा जो निम्न तबका था उसकी प्रॉब्लम तो बस इतनी सी थी कि उनके पास एट्टी परसेंट उनकी आमदनी चर्च या फिर सामंत या राजा ले जा रहे थे हाँ उन्हें था कि बस पेट भरने से तक के एक मिनिमम लाइफ स्टाइल वो मेंटेन कर क्योंकि okay. तो वो मिनिमम लाइफ स्टाइल भी मेंटेन कर पाने हुँ. के लिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी इनफैक्ट राजा या राज परिवार कितना कट गया था जनता से. से आप हुँ. एक एग्जांपल से समझ सकते हैं लुई सिक्सटी जो समय राजा था फ्रांस का क्रांति के टाइम उसकी थोड़े रिवॉल्यूशन से पहले हाँ कुछ छोटी छोटी हाँ जुलूस वगैरह हो रहे थे तो थो, एक छोटा सा जुलूस फ्रांस के राजा के महल के बाहर रोटियों का ब्रेड का डिमांड कर रहा था राइट। तो मेरी एंट्रेंट जो कि एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और उसकी शादी फ्रांस में के राजा से हुई थी तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि जनता इतना क्यों शोर मचा रही है तो जन तो मंत्री ने जवाब दिया कि मैम जनता के पास खाने के लिए नहीं है तो ब्रेड नहीं है खाने के लिए तो ले अरे ब्रेड नहीं है तो क्या दिक्कत है तो केक खाए जी ये तो आपने भी सुना होगा ये यदि तो ये उन ये जो लाइन है ये उन्हीं का लाइन है कि यदि वो अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं खा सकते संघर्ष नहीं पता उन्हें संघर्ष नहीं पता कि यदि इफ अ पुअर पर्सन कांट अफोर्ड ब्रेड हाउ विल ही परचेज केक, केक। राइट तो इतना कट चुका था अब आ जाइए थोड़ा सा हम्म mm -hmm. जी सॉरी अनकॉमन वेदर एंड पुअर हार्वेस्ट पर इसी समय 1788 और er, 1789 में अनकॉमन वेदर के वजह से हाँ काफ़ी गर्मी की वजह से फ्रांस में फसल काफ़ी ख़राब हुई और लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो गया ये कहा जा रहा था कि जनता के पास के लिए जनता की मजदूरी कम हो गई और ब्रेड की कीमत 67 परसेंट तक बढ़ गई अनकॉमन है हाँ। और इसके ठीक बाद द राइज इन द कॉस्ट ऑफ ब्रेड है हुँ, हुँ। फिर उसके बाद इस ये सब कुछ वजहें थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बनी फ्रेंच कर्ज भी एक रीज़न था जिसकी वजह से एक्चुअली फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत बड़े कर्जे में डूबी हुई थी अच्छा। कर्जों का कारण था कि एक तो आ, अपने लेविश लाइफ के लिए उनको जन शुरुआत के दो वर्ग कर नहीं दे रहे हैं जो सबसे अमीर हैं तो उनका आ, तो उनको तो उनके पास जो जो कर नहीं दे रहे हैं तो उनके पास अपने लाइविस्ट लाइफ को मेंटेन करने के लिए धन कम पड़ रहा है जितना मैक्सिमम वो कर लगा चुके हैं तो फिर आगे का कर कहाँ से आएगा तो आगे का कर वो वसूल वो लोन ले रहे हैं और यही टाइम था जबकि फ्रांस ने बेकार के युद्धों में अपना बहुत सारा धन व्यय किया जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सप्तवर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता है कि 1.8 बिलियन लिबरेज लिबरेज उस समय फ्रांस की मुद्रा थी uh -huh. वो खर्च हुई थी और इसके युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में 225 मिलियन लिबरेज सप्त वर्षीय युद्ध में 1. थ्री बिलियन लिपरेज और ये सब सब कर सब हाँ, इसके वजह से एक बाहरी दुनिया में हस्तक्षेप के कारण फ्रांस की जनता ये नहीं चाहती थी कि कोई भी एक्सपेंशन हो या फिर गवर्नमेंट हाँ, इस टाइप का कि हम क्यों

हाँ दार्शनिकों की भूमिका थैंक यू इस पॉइंट पे लाने के लिए रूसो मोन्टेस्क्यू जॉन लॉक मिराबू ये लोग ये सब महान दार्शनिक हुए जिनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान था रूसो ने क्लियरली ये कहा है कि आप रूसो की रचनाएं पढ़ेंगी कि इंसान सर्वत्र पैदा तो स्वतंत्र हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो उनका मानना था कि इंसान फ्री पैदा हुआ है लेकिन फिर रिसोर्सेज बनने चालू हुए रिसोर्सेज बनने चालू हुए तो एक सोसाइटी की का एक कॉन्सेप्ट आया फैमिली एंड कॉन् सोसाइटी का जब सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया तो तो कुछ सोसाइटी जुड़ करके तब उन्होंने स्टेट बनाया और स्टेट ने क्या किया सोसाइटी के लोगों के स्वतंत्रता का हरण कर लिया हुँ, हुँ. और हुँ, बदले में लोगों को कहा कि प्रोटेक्शन दीजिए तो, तो प्रोटेक्शन लीजिए मुझसे मुझे अपनी स्वतंत्रता दीजिए तो रूसो कैद का था कहना था चूँकि व्यक्ति सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो उसे इस चेन्स को ब्रेक फ्री करना चाहिए अपने आप को तोड़ना चाहिए, चाहिए। एक और है मोंटेस्क्यू उनका तो इस पूरे विश्व को इतना बड़ा योगदान है उनकी एक बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉस उसमें उन्होंने शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत हाँ द पावर कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियां केंद्रित नहीं रहेगी वरना वो वही लेटर डी कैशे जैसा आ, चीज का काम करेगा हुँ। हुँ, कि न्याय को भी बिकवा रहा है तो यदि विधायिका का, का काम संसद देखेगी कार्यपालिका का, का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी हुँ। हुँ और न्यायपालिका का काम जुडिशियरी देखेगी और तीनों एक दूसरे से फ्री रहेंगे और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे ये इनका सबसे बड़ा योगदान था फिर उसका जॉन लोक ऑक और, और मीराबू और ये सब फिलोसफर्स जितने भी हैं उसमें रूसो छोड़ के बाकी सारे बहुत ही वेल ऑफ मतलब फ्यूडल फैमिली से या अमीर फैमिली से अच्छा हुँ। हुँ। तो इन्होंने जब कहा जॉन hmm. लॉक भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे hmm. जब इन्होंने कहा कि hmm. जनता को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और जनता को इसके लिए अपने, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्लेम करना चाहिए प्रोटेस्ट करना चाहिए तो जनता ज्यादा उसने इस बात को ग्राह्य ज्यादा किया ग्रहण ज्यादा किया hmm. फिर उसके बाद आप फ्रांस के प्रशासनिक इसमें भी लूपोल्स देखेंगे कि इसी टाइम दो बहुत ही अच्छे वित्त मंत्री फ्रांस को मिले अच्छा। तुर्गो और नेकर ओके। उन्होंने फ्रांस के आर्थिक स्थिति को क्योंकि इनिशियली इसका जो रीजन था हाँ वो आर्थिक कारणों के रोटी के कारण ही चालू हुआ ये सारा झगड़ा तो अब तुर्गो और नेकर ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की किस प्रकार से कि उन्होंने कृषि को बहुत बढ़ावा दिया और आ, राजा को कहा कि फालतू के सामंती खर्चे थोड़े से कम किए खर्चे तो नहीं कम किए मतलब सामंत के आपस के जो क्लासेस थे वो थोड़े कम किए हैं हाँ क्योंकि सामंत आपस में भी लड़ते रहते थे तो इससे रिसोर्सेज का नष्ट होता था तो इस वजह से हाँ उन्होंने सामंतों को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया लेकिन जब टैक्स लगाने की बारी आई दुर्गो और नेकर पहले लोग थे जिन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेट एंड थर्ड सेकेंड स्टेट को टैक्स पे करना चाहिए बट वो माने नहीं दोनों भी स्टेट में इस बात को तो इन दोनों को ही हटा दिया गया तो फिर जनता के पास ये और मिडिल क्लास के पास ये क्लियर मैसेज गया कि राजा स्वीकार करना ही नहीं चाहता कोई भी रिवॉल्यूशनरी या कोई भी रिफॉर्म के प्रति वो नहीं है नहीं है उसको ग्रहण नहीं कर सकता उसे अनुमोदित नहीं कर सकता तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मैम पे क्योंकि समय हमारे पास तकरीबन दो मिनट हमारे पास है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे उस स्लोगन के बारे में जिसका आपने भी जिक्र किया मैंने भी जिक्र किया समानता exactly, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे कृपया हमारे सभी विद्यार्थियों तक बात पहुँचा मैम देखिए ये जो तीन स्लोगन है तीन मोटो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वो बिल्कुल उनके फिलोसफर से ही आ रहे हैं स्वतंत्रता जिस पे रूसो बहुत जोर देते थे कि मनुष्य को वो जंजीर ब्रेक करनी चाहिए और उसे अपनी स्वतंत्रता राज्य से छीन के लानी चाहिए क्योंकि व्यक्ति इनबॉर्न फ्री ही पैदा होता है ये सोसाइटी है स्टेट है जो कि आपकी स्वतंत्रता पे एक प्रतिबंध लगा रहा है तो ये स्वतंत्रता मतलब सारे लोग फ्री रहे, रहे बोलने में कहीं भी आने जाने आप इसको इस तरह से देखिए आने जाने बसने में समानता अर्थात कि आप में सभी समान हैं कोई रेसिज्म नहीं मतलब ये आप समझिए कि ये कितना बड़ा उस समय में ये कितनी बड़ी बात होगी कि हर मानव मात्र को इक्वल समझा जा रहा है जो कि काफी बाद में लोकतंत्र जब पुष्पित पल्लवित हुआ तो उसके बाद हुँ, हुँ, इस चीज को अपनाया गया और बड़े पैमाने पे लेकिन उस समय कहा गया कि सभी व्यक्ति समान हैं सारे रिलीजन के सारे कलर्स के लोग हाँ सभी समान और बंधुत्व की जो समान लोग हैं उन्हें आपस में मिलजुल अप्रेम पूर्वक रहना चाहिए तो ये मैम बात बहुत ही अच्छी है और जिस समय में ये क्रांति हुई उस समय इन बातों को ग्रहण करना भी बड़ी बात थी। बड़ी बात थी और जैसे कि कोई भी क्रांति का बेसिक आधार हम कह सकते हैं कि बदलाव होता है तो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के साथ सामाजिक बदलाव के साथ ये क्रा, फ्रांसिस क्रांति हुई जिसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाला और बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव डाला काफी ऐसी बातें आई जो व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता और व्यक्तियों में बंधुत्व को लेकर जोर दे रही थी इन बातों से पूरे विश्व का परिचय हुआ और समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं लेकिन यहाँ पर हम जाने से पहले रोहिणी मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से ये पूरा पाठ हमारे सभी दर्शकों तक और हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की आपको ये चैप्टर ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपकी कोई भी क्वेरी आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम छोटे से एक ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ साथ हम हाजिर होंगे जो कि मैथमेटिक्स के नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्कल तो सर्कल पर आपको जानकारी दी जाएगी आप उस सेशन में भी हमारे साथ यूँ ही बने रहें अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति नमस्कार